नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में बहुत स्वागत और बहुत आभार है। शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके संयोग बनने से, जिसके महायोग बनने से या शनि की किसी भी प्रकार से हमारी कुंडली में स्थिति होने की वजह से बहुत ज़्यादा एक व्यक्ति को स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। अगर अच्छी पोजिशन में है तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव करता है, और अगर उनकी पोजीशन सही नहीं है तो बहुत सारी लाइफ में स्ट्रगल शुरू हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर जातकों के मन में शनि को लेकर कई सारी नेगेटिविटी है, कई सारी भ्रांतियाँ हैं, और कई सारी इतनी नकारात्मक चीज़ें हैं जिनसे उनके मन में कई सारी ऐसे नकारात्मक प्रभाव बनते हैं जिनसे वो प्रभावित रहते हैं और हमेशा उनसे परेशान भी रहते हैं। लेकिन अब जो है, आने वाले महीने, खासकर ये अगस्त, सेप्टेम्बर और अक्टूबर, इन तीन महीनों में जो शनि का विपरीत राजयोग बना है उसका जो प्रभाव है वो क्या होने वाला है हमारे जीवन पर। इस विपरीत राजयोग के बनने से आपके जीवन में जितने सारे कार्य हैं, जिन कामों में आप चाहते थे कि बहुत दिनों से रुका हुआ था, जो कार्य में होने में बहुत रुकावटें आ रही थी, उन कार्यों में तेजी आएगी। और शनि आपके जीवन में जो इतनी उम्र जो आपकी अभी तक बीती है, इसमें जो एक बहुत बड़ा कार्य जो सफल होना चाहिए था, जिसके लिए शायद आप इंतज़ार कर रहे थे, वो बड़ा कार्य सफल करते हुए नज़र आएगा आपको, और वो काम अनायासी बनेंगे और एक बड़ी उपलब्धि आपके जीवन में आने वाले इन तीन महीनों में आपके साथ देखने को मिलेगी। इस विपरीत राजयोग की वजह से कई बार मानसिक तनाव व्यक्ति का बढ़ सकता है, बेफिजुल की चिंताएं, अज्ञात डर मन में बढ़ सकता है। लेकिन ऐसी किसी भी परिस्थिति में ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि यह एक अच्छे मौके को आप नहीं भुना पाएंगे, और इस नकारात्मकता में जो चीज़ें बेहतर हो सकती थी उन्हें आप नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह का कोई भी नेगेटिविटी आए तो समझना ये शनि का प्रभाव हमारे ऊपर हो रहा है, और इस वजह से प्रभाव हो रहा है। तो आप बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी के दर्शन करें, भगवान भोलेनाथ को इत्र चढ़ाएं, भगवान भोलेनाथ का जल से रोज अभिषेक करें। बाकी ओवरऑल इस विपरीत राजयोग से आपकी लाइफ में बदलाव होगा। ओम नमः।